हेलो फ्रेंड्स, वर्षा बेक एंड केक स्टूडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स और सजेशंस के लिए। इससे मुझे अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प मिल रही है। प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। थैंक यू। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, सोया चॉप। आज हम बनाने वाले हैं थाई फ्लेवर्ड सोया चॉप। फ्रेंड्स, अभी ठंडी आ रही है, विंटर सीजन में काफ़ी हॉट और स्पाइसी फूड अच्छा लगता है। तो आज हम लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी नाउ। सोया चॉप बनाने के लिए मार्केट में ये फ्रोजन सोया चॉप का मिलता है पैकेट, जो आप लेके आइए और उसको थॉ कर दीजिए। थॉ मतलब कि फ्रोजन होगा, जब तक रूम टेम्परेचर में आएगा तब तक उसको बाहर रखना है। अब हम इसका मैरिनेशन करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम रेड करी फ्लेवर्ड सोया चॉप बना रहे हैं, मतलब थाई फ्लेवर्ड सोया चॉप। तो उसके लिए मार्केट में रेड करी पेस्ट मिलती है रेडीमेड, जो इस तरह से छोटे पैकिंग में मिलती हैं, जो आप खरीद के लेके आ सकते हो। और यहाँ पे मैंने रेड करी पेस्ट को थोड़ा सा पानी डाल के उसको डिजोल्व करके रखा है इस तरह से। सोया चॉप के मैरिनेशन बनाने के लिए हमें हंकड़ की ज़रूरत पड़ेगी। हंकड़ मतलब हमने दही को पूरी रात एक मसलिन क्लॉथ में हैंग करके रखना है, जिससे उसका सारा वाटर ड्रेन हो जाएगा और हमें सिर्फ उसमें से प्रोटीन मिलेगा, मतलब कि सिर्फ दही मिलेगा। और फिर इसमें मैंने दही को फेंट के रखा हुआ है। देन आई विल एड 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, हाफ टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, दो ग्राम चाट मसाला, टू लेमन जूस, थोड़ी सी कसूरी मेथी। ब्लैक सॉल्ट आई हैव एडेड ऑल द मसाला टुगेदर इन द हंकर्ड। नाउ आई एम मिक्सिंग इट। वी हैव टू मिक्स इट थरली सो दैट ब्लेंड्स एंड गिव्स फ्लेवर। I have added all the masala together and mixing well. You can see it has got red color due to Kashmiri chili which we have added. Friends, our tangy and spicy Thai marination is ready now. So we will add all soya chop into it. We'll mix it so that it coats well and we have to check whether it covers all the soya chop together. This marination will immerse inside and give flavor and spiciness of Thai flavor. Marinated soya chops are ready. Now we'll keep this soya chop inside fridge for 5 to 6 hours so that it soaks all the flavors of hunkard and other spices. Pan mein thoda oil add karke hum thoda sa garam karenge. Jaise hi oil heat ho jata hai, hum isse one by one चॉप को रखेंगे और हम इसको थोड़ा सा ग्रिल करेंगे। हमें फायर स्लो रखना है ताकि वह दोनों साइड से अच्छी तरह से ग्रिल हो जाए।
You can see our chaap is totally grilled and it has brown color on top. It is crunchy also and well done. Now it is ready to serve. We'll serve it with mint chutney and tamarind chutney. Thank you for watching Varsha Bake and Cook Studio. If you like this video, please share with your friends, like and subscribe.